हेलो दोस्तों, द सुबीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और आलू का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में करीब एक लोटा पानी डाल दूँगी। पानी को हमें उबालना है, अच्छी तरह से गर्म होने देना है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच नमक, दो कटोरी सूजी डालेंगे और सूजी को पकने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, सूजी को हमें पका लेना है। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना, और अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अगर आपको लगे कि पानी कम हो गया है तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने भी यहाँ थोड़ा सा पानी और डाला है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सूजी को पकने देंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट मीडियम लो फ्लेम में छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए, चम्मच चलाते हुए सूजी को पका लेंगे। इस तरह से सूजी पकते हुए आ चुकी है और फिर इसे ढक करके 2 से 4 मिनट रख देंगे। फिर मैंने एक परात लिया है। परात में मैंने करीब आधा किलो उबला हुआ आलू लिया है। उबले हुए आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें भी कोई गुठली ना रहे। बहुत ही अच्छे तरह से इसे मैश कर लेना है। फिर मैंने इसमें डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची और कस्तूरी मेथी डाल दी है इसमें 2 चम्मच। स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिएगा। और फिर डाला है चिल्ली फ्लेक्स, सूखी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। फिर इसमें डाल दिया है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर डाला है जो सूजी हमने पका के रखा था, उसे डाल देंगे। इस टाइप का सूजी हमें चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा। फिर इसे मिला लेंगे फटाफट से, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसे मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें मिला लेना अच्छी तरह से। फिर हमें हाथों में तेल लगा के इसको गोल गोल लेके लंबे लंबे स्लाइस में कर लेना है। आपको जिस भी डिज़ाइन में बनाना है आप उस तरह से बना सकते हैं। पहले मैंने इसे थोड़ा सा लंबा लंबा बनाया था, फिर मुझे लगा कि ये अच्छी तरह से नहीं तलाएगा, तो मैंने इसके 2-2 पीस कर दिए। इस तरह से तेल को गरम करते हुए हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होते तक इसे तल लेना है फ्रेंड्स। फटाफट बन जाता है ये नाश्ता, 15 से 20 मिनट में आराम से ये नाश्ता बन जाता है। और देखिए, इस तरह से हम इसे सुनहरा होते तक तलेंगे मीडियम लो फ्लेम में। देखिए सुनहरा हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी और आलू का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता, जो कि खाने में सबको बहुत ही पसंद आएगा। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बना के खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं सूजी का यह टेस्टी नाश्ता। अगर आपको ये सूजी की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।